जो हमारे साथ एतेजी का सोर्स है सर, ये एक ब्लेम लग रहा है सबका कि 3 बजे की आग को अभी बुझा रहे हैं, पानी फायर ब्रिगेड में नहीं होता है, फायर ब्रिगेड के ऑपोजिट में ये सब है। कोई कहते हैं ये साजिश है, खाली कराने का एक नोटिस मिला था, तो कुछ सरकार की साजिश है इसको खाली कराने के लिए, आप क्या कहेंगे? फायर ब्रिगेड ये हमारा ओल्ड मार्केट है और इस मार्केट में चेयरमैन भी रहा, काफ़ी साल रहा और आज सुबह 3:30 बजे का करीब में जो आग लगा है और हम भी इसमें यहाँ जितना भी मार्केट में जो मेरा बहने हैं, हमारा जो दीदी लोग है, बहन लोग है, जो माँ समान लोग भी है, जो भाई लोग हैं, इस मार्केट में हम खुद यहाँ जो है 8-9 साल मार्केट का चेयरमैन बन के रहा और साथ में मैं 55 से यहाँ ही है, तो मार्केट चेयरमैन से आज मैं विधायक बन चुका है और जो विधायक बनने का बाद हम जो जो मार्केट का जो प्रोंट में जो बार बार जो सेत लगा हुआ है अभी भी नहीं गिरा है, तो उसी में जो है वो हम एमएलए लेक्चर 5 से बना दिया था। तो सरकार का साथ हमेशा इस मार्केट को बनाने के लिए G+3-4-5 बनाने के लिए ऐसा मांग रखा है। सरकार के पास थोड़ा धनराशि इधर उधर होने का वजह, थोड़ा कम होने का वजह हम लोग नहीं कर पाया और सरकार इस साल में हम लोग को पैसा दिया गया था और देने का बाद जो इसमें बहुत जल्दी मतलब बिल्डिंग शुरू होने वाला था तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आ सकता है बोल के, प्रॉब्लम भी आ सकता है बोल के, तो इसका हम मीटिंग लिया था मार्केट कमेटी से हम 2 बार मीटिंग ले चुका था। उसका बाद जो हमारा यहाँ जितना भी बहन बेटा है उन लोग का साथ हम यहाँ जो ओपन मीटिंग किया, ओपन मीटिंग करके मार्केट जल्द से जल्द बनेगा, आज 20-22 दिन पहले उन लोग को हम वादा किया, फिर उन लोग फिर मेरा घर में फिर उन लोग जो थोड़ा बहुत सुन नहीं पाया था उन लोग फिर घर में भी आया, घर में भी वही हम बात को समझाया। ये जो है बहुत साल का बाद हमें जो पैसा मिला और इस मार्केट को हमने बना के और इसका एकोमोडेशन आप ही लोग को करेगा, कोई दूसरा आदमी किसी को नहीं करेगा। इस मार्केट में जो भी माँ बहने बेटा है उन्हीं को ही एकोमोडेशन करेगा बोल के, और चाहे जरूरी हो हम लिख के भी देगा बोल के उन लोग को बात किया था। बात करने का बाद हम थोड़ा बेलोर चला गया था हेल्थ का लिए, तो वहाँ से आया तो हम ये 3 दिन हुआ, 3 दिन में ये दिवाली बंद होने का वजह हम बाकी ऑफिसर लोग से डिस्कस कर नहीं पाया, तो आज इसीलिए जो आज रात का जो हैपन में हम बहुत दुखी हूँ, बहुत दुख हूँ और इसमें जो फायर ब्रिगेड सामने में है तो आग बुझा नहीं पाया, तो उसका उनका जो बहन लोग का कहना है कि सुबह में हम लोग बहुत बोला बुझाओ आग बुझाओ बोला, उन लोग बोला कि हाँ गाड़ी में ये नहीं है हो नहीं है उन लोग बोला था इसलिए बुझा नहीं पाया, इसलिए हमने बोला है कि इसका जल्द से जल्द इंक्वायरी हो जाए। अगर पानी सचमुच गाड़ी में नहीं है, अगर जब आग अगर एकदम गर्मी आग लगने का बाद बुझाने नहीं सका तो उसको बिल्कुल सरकार का ओर से उसको एकदम इंक्वायरी करना है और इसको जल्द से जल्द एक्शन लेना है। और अभी कंप्लेन भी मार्केट कमेटी ने अभी कंप्लेन भी अभी दिया है, अभी देगा तो वो छानबीन होगा, सिर्फ फायर ब्रिगेड को बोल के नहीं है, आग कैसे जला है उनका भी छानबीन करना है। पुलिस हम SP साहब को अभी तना में जाकर हमने बोला कि इसका बिल्कुल छानबीन करना है, आग कैसे निकाला है, कहाँ से निकाला, ये जो है सरकार का साजिश होगा, ये बात जो है बिल्कुल सुन के मतलब हजम नहीं होता है, क्योंकि सरकार इस देश में सरकार बनता है तो कोई भी सरकार बनता है तो चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे पेमा खांडू हो तो अरुणाचल का इंडिया का भलाई के लिए सोचेगा, इतना तो कभी भी खराब तो कभी नहीं सोचता है, तो इसी तरह की जो सोच रखता है विचार रखता है ऐसे क्या होगा ऐसे क्या होगा, वो जो है वो बात को सुन के बड़ा दुख लगा। अभी सर करोड़ों का जो नुकसान हुआ, गरीब लोगों की दुकानों में सामान था, सरकार से क्या मदद करी जाएगी? आप तो स्थानीय विधायक हैं, आप लोकल MLA हैं, आप सरकार से। इसलिए सुबह से यहाँ लगा हुआ है कि जो बिल्कुल जिसका यहाँ अंदर में जो रहता था उनका रहने के लिए नहीं है, अभी जो मदन विलेज कोंकरानोला जिसको बोलता है और कोंकरानोला में जो कोंकरानोला बोलता है मदन विलेज बोलता है उसी में स्कूल में उन लोग को एकोमोडेशन कुछ दिन के लिए किया जाएगा,
और जो आदमी का रहने के लिए और जो आदमी का खाने पीने के लिए जो चला गया उसका एकोमोडेशन ऑफिसर पूरा लगा हुआ है यहाँ का नाहौल उनका ई एस सी रिलीफ का पूरा ऑफिसर यहाँ पूरा लगा हुआ है। और मार्केट कमेटी का जो चेयरमैन सेक्रेटरी को बोल दिया कि हम लोग का मार्केट में जो है हम लोग का पूरा जितना दुकानदार है उनका पूरा लीस है, उनका पूरा पोतो है, उनका पूरा टेलीफोन है, उधर कोई बाँच नहीं सकता है। वो लीस अभी शामिल कर देने से और जल्द से जल्द, क्योंकि सरकार का पैसा जो है आजकल हाथों में नहीं देता है, उनका जो अकाउंट नंबर में सीधा आ जाएगा, जो भी रिलीफ से जो भी पैसा जो भी देगा वो उनके अकाउंट में चला जाएगा। उसका काम धूमधाम यहाँ कर रहा है, वो कर रहा है और करेगा। सर, कैपिटल में हमेशा आग लगती है, ये कैपिटल बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो सरकार की तरफ से आप क्या कहेंगे कि अगर इतनी सामने नहीं रोक पाए, अगर अलग अलग जगह भी ठंड सर्दियों का मौसम है, काफ़ी जगह आग लगने की संभावना होती है कॉलोनीज में, तो फायर ब्रिगेड के और स्टेशन और गाड़ियाँ देनी चाहिए, आप क्या मांग करेंगे सरकार से? गाड़ी तो हमारा एक नहीं है, तीन तीन गाड़ी है, तीन तीन गाड़ी है, लेकिन उसमें क्या कमियाँ है उसका भी छानबीन करना है, इंक्वायरी करना है बोल के अभी हम नाहौल तना में एस पी साहब को बोल के अभी कंप्लेन डाल के आया, तो छानबीन होगा उसका क्या कमियाँ है और हम क्यों, हमारा पास सब कुछ होते हुए में भी हम आग क्यों नहीं बुझा पाता है। और इसमें कोई उसी डिपार्टमेंट का जो काम करने वाला में से कुछ फॉल्स है, वह उन लोग काम नहीं कर पा रहा है, वह उन लोग अपना ड्यूटी को मतलब ड्यूटी नहीं समझता है, मतलब ये छानबीन करने का बहुत जरूरी है, उसका छानबीन जरूर होगा और आग किसे लगा उनका भी छानबीन होगा। इतने पवन दिवाली में ऐसा हुआ सर, पटाखों की वजह से भी लोग कहते हैं या किसी दिए की वजह से हुआ, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन इसीलिए छानबीन करने का बाद तो अपना दूध का दूध पानी का पानी निकल आएगा। जब तक छानबीन नहीं करेगा तब तक आप, अभी तो आप ही बोल दिया कि अभी यहाँ का ब्लेम ऐसा है कि सरकार जानबूझकर आग लगा दिया होगा, लेकिन ये बात सुन के बहुत दुख लगा। हम यहाँ जो है बिल्डिंग बना के देगा, आज जो झोपड़ी में बैठा है ये लोग को भी एकोमोडेशन बाद में किया जाएगा, लेकिन हम सरकार जो है इतना अच्छा एक आरसीसी बिल्डिंग बना के उसका अंदर में एकोमोडेशन करेगा बोल के, जो उनको जो उनका लिए हम सोच रखा, उनका लिए विचार रखा, उसका ऊपर में ऐसे सोचना, लोगों ने कहा ऐसे बोलना है, लेकिन किसी किसी का ये ऐसे मुख से भी कैसे आता है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर जिंदा रहता है तो सभी भगवान को एक विश्वास करता है, सुबह उठ के भगवान का नाम लेता है, लेकिन हम सबसे ये अपील है कि थोड़ा भगवान पे विश्वास रखो, ऊपर तक रिलीफ के लिए कम से कम ऐसे सोच ना रखे, किसी का विक्टिम किसी का बुराई हो हमको देखना चाहिए ये सोच नहीं रखे। हम तो वही चाहता है कि आप लोग कोऑपरेट कीजिए, हमको काम करने दीजिए, मेरा ऑफिस आप लोग शाम तक उनको विक्टिम को जो भरपाई कर पाता है सरकार का ओर से हम लोग पूरा। क्या क्या तैयारी किया है इमरजेंसी के लिए? देखिए ये जायज का बात है, आप सब देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुखद खबर है, इसमें एक दो नहीं बोल के बहुत माने सौ हजारों का संख्या में अपना प्रॉपर्टी खोया है सबने, जल्दी जल्दी में किसी ने कुछ बचा नहीं पाया, तो ऐसा दुर्घटनाग्रस्त ये बहुत बड़ा एक तो दुर्घटना में माना जाएगा, फायर एक्सीडेंट हालांकि होता है लेकिन ये दुखद का बात है कि बहुत बड़ा मात्रा में ये फायर एक्सीडेंट हुआ है। और ये अपना सबसे पुराना मार्केट ईटानगर नाहरलगन ट्विन सिटी का सबसे पुराना मार्केट जो सारा कैपिटल को जो कैटरिंग करता था वो बाज़ार है, जिसको हर कोई बच्चा बच्चा जानता है, तो ये इतना बड़ा मात्रा में नुकसान हुआ। अभी हम लोग ने अभी डीसी से हम लोगों का एक प्रोग्राम किया, बैठक हुआ, जिसका बिल्कुल ही घर बार अंदर में था होगा, कुछ नहीं कर पाया, बचा नहीं पाया, उस उन लोगों के लिए हम लोग जल्दी ही उन लोगों का रहने के लिए अपना हम लोग स्कूल को ये दो तीन जगह कंकर नाला से लेके सारा स्कूल को हम लोग एयरमार्क किया, हम लोग वहाँ इमीडिएट रिलीफ देंगे उनको और उनका कोई भी सगे संबंधी फैमिली हो। दूसरा जो इमीडिएट रिलीफ का सवाल है, हमारा एडीसी ईटानगर नाहरलगन एसी बमजन साहब लिखा राज साहब और डिजास्टर मैनेजमेंट जो कायदे में आता है मोरमी मैडम, हम लोग से संपर्क हुआ, अभी लिस्ट को बहुत ढंग से बनाना पड़ेगा ताकि कोई छूट ना जाए, ये नुकसान जो है सबके लिए बराबर है, इसलिए किसी का ज़्यादा किसी का कम जो हुआ है उसका एक अलग लिस्ट बनेगा, और जिसका भी हर किसी का जिसका सब नुकसान हुआ अभी जल्दी से लिस्ट बनेगा। अभी आपका माध्यम से हम लोग आपका माध्यम से मैं यहाँ का कॉरपोरेटर होने का नाते भी मैं एक तो आह्वान भेजूँगा, आई वुड लाइक टू अपील द इंटायर पीपल ऑफ ईटानगर, ये वो मार्केट है जो आप लोगों को कैटरिंग किया सर्विस दिया, तो ऐसे दुखद घड़ी में
ईटानगर से लेके चिंपू बांद्रद्वार तक हर कोई आप लोग आके साथ देना चाहिए, ये इंसानियत के नाते। और दूसरा जो विक्टिम लोग हैं आपका माध्यम से, हम वो लोगों को भी ये बताना चाहूँगा, ये दुर्घटना ये देखिए ये ऐसे होता है, तो इसको हम लोग दिल बहुत छोटा नहीं करना है। इस माने दुखद का घड़ी में हम लोग थोड़ा सा हिम्मत करके अभी समस्या को हम लोग सामना करेंगे। और कुछ भी हो, मेरा अपना OSD लोग, मेरा नंबर यहाँ है, मेरा वार्ड नंबर लोग यहाँ में है, मीना अम्मा ये लोग है, हम हर घड़ी यहाँ में साथ में है। और जिसको भी ज़्यादा किसके अलग अलग किस्म का जो प्रॉब्लम हो, कोई ये दिक्कत हो बता दीजिए। और ऊपर से मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि कोई ट्रोमा में ना जाए, किसी किसी का बहुत प्रॉपर्टी नुकसान हो गया, एकदम से लूट गया जैसा भी है, तो वो लोग थोड़ा अपने को संभाल के बैठिए। और पारा ईटानगर को मैं आह्वान करता हूँ, खास करके हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर जो वरिष्ठ नेता है, जो हमेशा अभी इंसान का दुख का घड़ी में साथ देता, और ख़ास करके हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, ये आप दोनों को हम स्पेशल रिक्वेस्ट इसलिए करना चाहूँगा आज का ये आप सबका माध्यम से और ये विक्टिम का ओर से, आप दोनों काइंडली थोड़ा एक स्पेशल अटेंशन देके विद एन सिस्टम हम लोग सही ढंग से लिस्ट बनाएंगे। ऐसे तो नुकसान होता है, अपना नेग्लिजेंसी से हुआ, ये तो बहुत भारी नुकसान हुआ, इसलिए इन लोगों के लिए आप लोग कुछ सोच के रखिए। सरकारी प्रक्रिया में जो मिलता है वो एक अलग रहेगा, और आप दोनों अपना तरफ से भी एक स्पेशल प्रोग्राम बना के रखिए, हम लोग सिस्टम से आप लोगों को वी विल बी अपडेटेड। और बारी बारी से हम अपील करता है उसका सगे संबंधी को जिसका नुकसान हुआ, थोड़ा सा आप लोग सब्र करिए, हम लोग जो हो सकता है पूरा हम लोग 100% देंगे। थैंक यू सो मच सर। में आप जो कदम उठा रहे हैं जी, ये वाकई काबिले तारीफ है। थैंक यू। आपका हम तारीफ करते हुए हम ये जानना चाहेंगे जी, कि यहाँ का बिजनेस कम्युनिटी और जो पब्लिक है, इनका कहना है पुलिस का नेग्लिजेंस का वजह से या फिर किसी ने लगाया, इस पर बिंग ए लीडर वैसे और इंसानियत के तौर पर भी आपका तरफ से इस पर क्या विचार रहेंगे? अभी ये बात सही है, अभी अपना पुलिस स्टेशन और फायर ब्रिगेड दोनों सिस्टम जो एकदम आपका 3 मीटर का दूरी में बीच में एक रास्ता का सिर्फ फासला है, तो अभी हमको आके पता चला, मैंने पूरा पीछे से आगे से दौरा किया है, समस्या क्या है देखा, हमने अभी पुलिस से संपर्क नहीं साधा है। यहाँ से अभी आप दादर जी मुझे निकलने का मौका दीजिए, मैं पुलिस का सिस्टम को मैं पता करूँगा, और कोई भी ये पुलिस अगर पता चलेगा कि उन लोगों का नेग्लिजेंसी है, हम लोग 100% उसका एक्शन लेंगे। अभी हम लोग जा रहा है, सुबह में कितना बजे क्या हुआ, क्या सिस्टम था, ड्यूटी ऑफिसर क्यों था, बैकअप क्यों नहीं हुआ, अभी जाके मैं पता करता हूँ, फिर आपको वापस अपडेट करूँगा।